हर हर महादेव। सो वेलकम बैक टू अ चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आज है कितनी तारीख है वरना? आज है भाई, आज 18 सितंबर, 18 सितंबर है। रात के कितने, 11 बज गए? हाँ 11 बज चुके हैं। और हम लोग अभी ऑफिस में हैं, अभी विशाल भाई नहीं, क्योंकि विशाल भाई का पेपर है। और हम लोग जो है आज निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए, रीजन बिंग कुछ काम है मेरे को, वो काम हम लोगों ने निपटाना है। भाई लोगों को भी कुछ काम है, वो भी निपटा देंगे। और अभी हम ऑफिस इसलिए आए क्योंकि मेरे को 2 दिन की वीडियो शेड्यूल करनी है। जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो उस दिन रात को बहुत लेट नाइट वीडियो आ रही होगी। और साथ में भाई क्या स्टोरी बना रहे हो? है तो भाई कुछ भी बना सकते हो। और भाई देखो बिल्कुल ऐसा तैयार है कि आज पार्टी के लिए हम निकल गए। ठीक है भाई, भाई आज पार्टी के मूड से बिल्कुल तैयार, लेकिन हम पार्टी के मूड से बिल्कुल ही जा रहे हैं। तो आज हमको जो ज्वाइन करने वाले हैं वो कौन भाई है गाजियाबाद से, गैसिंग कर लो, वैसे वीडियो में दिख जाएंगे। सबसे स्पेशल बंदे हैं, एक्सिस बैंक जो है उन्हीं की वजह से चल रहा है, तो चल ही ना। ठीक है, तो अभी मैं अपलोडिंग कर रहा हूँ थोड़ी सी, उसके बाद फिर जब निकलेंगे तब आपसे बात। मजाक कर रहे हो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाले से मिलोगे आप, मजा आ जाएगा। पर ना वीडियो अपलोडिंग हो रही है अभी, तो वरुण भाई ने कुछ बात बोली है। एक बार बताइए भाई क्या कह रहा तू? मैं जवाब है ना हमेशा संगीत से देना पसंद करता हूँ। अच्छा, तो भाई क्या कहता है कि अगर तूने क्या क्या कह रहा भाई, थोड़ा बता तो दे। अगर मैं 2 साल प्रैक्टिस कर लेता, जिस 2 सालों में तू कनाडा में था। कौन सी कशिश है? कहाँ की कशिश? सो गाइस वी आर ऑल सेट टू लीव, और अभी हम लोग जा रहे हैं गाजियाबाद। ठीक है, वहाँ से हमने लाले को पिकअप करना है, और अपनी गाड़ी जो है वो इधर खड़ी हुई है। ठीक है, तो वरुण भैया कह रहे कि अब वो गाड़ी चलाएंगे, तो हम लोग चलते हैं। एक बार मेरे को घर जाना है पहले, एक बार ही, क्योंकि मेरे पास 2 लैपटॉप पड़े हुए हैं। तो एक लैपटॉप मैंने घर पे छोड़ना है, एक लैपटॉप मैंने आकृति को देना है, क्योंकि कल ऑफिस में मैं नहीं आ पाऊँगा तो आकृति देखेगी। विशाल का कल पेपर है। ओके भाई, सो वी आर गुड टू गो। ओके गाइस, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सिस बैंक के ओनर। ठीक है भाई, तो वरुण ने आपको जो भी लाला के बारे में बताया है वो लाला सही है गलत है, हाँ ना बता दे बस। अच्छा, नहीं क्या बताया होगा भाई पहले भाई। तो सही, तो तूने एक्सिस बैंक के नकली पेपर्स बना के नहीं भेज दिया था बैंक? माल्या के बाद लाला ही है। तो भाई अब हम लोग निकल रहे हैं कहाँ के लिए देखते हैं, अनडिसाइडेड है अभी। तो ऋषिकेश ही पहुंच रहे भाई। ठीक है, थोड़ा काम निपटाना है, उसके बाद फिर देखते हैं। आप लोगों को कुछ अलग दिखाने को हुआ तो जरूर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए देख लो भाई, अभी हम रुक के वीडियो देख रहे थे, अब तक लाला नहीं आया था ना। फोकस, ठीक है, ठीक है भाई, तो चले वरुण फिर। बिल्कुल चलो भाई, चलो भाई। अभी का जो अपडेट है वो ये है कि हम लोगों को ऋषिकेश पहुंचने में लगेंगे 4 घंटे 50 मिनट, 6 बज रहे हैं। अगर विशाल भाई होते तो हमें बहुत जल्दी पहुंचा देते। तो ये लाला आप कर सकते हो? ये कितने घंटे में पहुंचते? 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे में लाला पहुंचा तो देगा, लेकिन कहाँ पहुंचाएगा वो भी तो डिपेंड नहीं करता है ना। कहाँ पहुंचेंगे हम भाई ये पता नहीं है, क्या पता हम एम्बुलेंस में जा रहे हैं। नहीं भाई, हम गाड़ी साइड में लगा के कहीं खड़े हो। नहीं नहीं भाई, शुभ शुभ बोलो यार। हाँ बिल्कुल शुभ बोल रहे हैं। नहीं पहुंचाएंगे यार, टाइम पे पहुंचाएंगे। और सुबह पहुंच के लाला को आरती भी करनी है, तो उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। ठीक है, लाला ने मंदिर में 7 साल सर्विस करी है, बहुत बड़े पुजारी रहे हैं। लाला ने एक्सिस बैंक भेज दिया। तो भाई रोड में जो अगर कुछ दिखाने लायक होगा जरूर दिखाऊंगा। आप लोगों को पता चलेगा लाला एक अंडरकवर एजेंट है। तो रात में अगर कुछ होगा दिखाने को, कोई टेढ़ा टूढ़ा चल रहा होगा तो दिखा देंगे, वरना लाला को टेढ़ा चल के। तो गाइस पता नहीं हम लोग अभी कहाँ पहुंचे। लाले कहाँ पर है अभी हम लोग? ट्रैफिक जाम में। नहीं ट्रैफिक जाम में तो है भाई, मुरादनगर वगैरह होंगे। और वरुण एक चीज, वरुण तू कह रहा था कि तू बड़ा अच्छा सिंगर है, कौन सा गाना गाता तू? अभी गा तो रहा था आंख मारे निकला गड्डी ले के। आगे तो गाओ, आगे तो गाओ यार। ठीक है, बस इतना ही ठीक है। अबे भाई सुनना चाहती, क्या पता तेरे को इंडियन आइडल वाले बुला ले जूते मारने के लिए। गड्डी लेके निकला वरुण, गड्डी लेके होता है या गड्डी लेके होता है भाई? तेरा जो जी करता हो तू वो मान ले। जाम किस चीज का होगा लाले, तेरे को क्या लगता है? जाम तो शराब का है। लाले को ही ढूंढ रहे हैं, आगे बैरिकेडिंग हो रही है। तो भाई जैसे कि आप लाइव देखेंगे कि कैसे एक क्रिमिनल को पकड़ते हैं पुलिस वाले। तो आप जो भी बात सुन रहे हो केवल मजाक चल रहा है, इसको सीरियसली लाइफ में मत लेना। सारी बातें काल्पनिक है। लाल देख रहे हो, लाल देखना कितना लाल है। लाले इतने बड़े बिजनेसमैन है कि इन्होंने पता नहीं कितने तो पहाड़ बेच दिए। हिमाचल के आधे ज्यादा पहाड़ इन्होंने बेच दिए।
और कौन ढूंढने भाग रहा है इनको? सीबीआई और मतलब नारकोटिक्स वाले और इनकम टैक्स वाले. क्यों उनका सब... क्या लिया बेचने के लिए मुझे सीबीआई और नारकोटिक्स ढूंढ रही है. लाले सारी एजेंसियां पीछे पड़ी हैं. तू बड़ी फिश है यार. गैस एजेंसी भी पीछे है मेरे. सो गाइस देख लो कितना ज्यादा अनसेफ है भाई. ये देखना भाई ओवरलोड चल रहा है और ये गिरेगा तो इस तरफ ही गिरेगा. और ये ओवरलोड है भाई. इसको पासिंग किसने दे दी यार. गलत सीन चल रहा है भाई. चलो वरुण आगे निकलो. क्या करे भाई राइट से हमें ओवरटेक करने नहीं देगा भाई. ये पलट जाए इससे पहले निकल जाओ उधर से. पलट के फिर से सीधे हो जाएंगे. और भाई हाईवे में ना इस वाले हाईवे में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि लाइट बहुत गंदी लगती है आंखों में. पेड़ है ऑल्दो लेकिन है ना धुंध जो है ना वो हल्की सी आप लोगों को फील होनी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है भाई. और देख लो आप लोग आगे जो है ये धुंधी होगी भाई है ना. अभी थोड़ा हल्का चलाओ. देखो ट्रक वालों ने लाइटें नहीं है. ट्रक वालों ने लाइटें हटवा ली भाई यहाँ पर. ये यूपी बेल्ट में होता ही है भाई. हाँ भाई इस बेल्ट में दिक्कत है. ये आगे देख रहे हो आप लोग और भी चल रहे हैं. इनकी भी लाइटें मतलब इनका ये रिफ्लेक्टर चमक रहा है. लीवर ना लाल है आगे गाड़ी पे टॉर्च पकड़ के बैठ जाते हैं. चलो भाई थोड़ा सा कहीं रुकेंगे कुछ खाने के लिए. तो लाला जो है वो कह रहा है कि भाई भीड़ होनी चाहिए जहाँ पर भी हम जाएंगे. सो हम लोग अभी आए गणपति टूरिस्ट ढाबे में. ठीक है क्या पियेंगे लाले? चाय भाई. मैं तो कोल्ड ड्रिंक लूंगा. कोल्ड ड्रिंक पिएगा भाई. ये कोई मौसम है कोल्ड लाइक टू हैव टी. और गोभी के पराठे कह रहा था तू. हाँ या गोभी के. हाँ या भगवान की मूर्ति लगी है क्या वो? लेट्स गो बॉयज. गणपति ढाबा है ना. भगवान की मूर्ति तो होगी यार. कैसे कहाँ पर है मूर्ति? गणपति जी की है. हाँ भाई गणपति जी की है भाई. वो देखो. हाँ ये रही ना इतनी बड़ी. ठीक है भाई गणपति जी है. जोशी जी बुलेट हुआ करते हैं हमारे. बुलेट खा लिया भाई उस बुलेट को. बुलेट तो लाले अभी सॉरी वरुण अभी टाइम क्या हो रहा है भाई? 3:02. और आप क्या खाना चाह रहे हो? गोभी का पराठा पनीर बटर मसाला खाएगा ये लाला और मैं. रेडबुल पियेंगे बस यार. एक चाय ले आना. गोभी का पराठा हो जाएगा. आलू प्याज का होगा, पनीर का होगा, मिक्स होगा, खाली प्याज का होगा, खाली आलू. पनीर का लिया हुआ एक पराठा. नहीं नहीं भैया थैंक यू. बढ़िया भाई खा रहे हैं पनीर का पराठा. कैसा है भाई टेस्ट? बढ़िया बेहतरीन. खा ले लाले. अभी एक नई चीज चल रही है. ये जो ओमनी चल रही है आगे ये भाई देता है लेफ्ट का इंडिकेटर और राइट से हाथ देगा. अभी देख 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 अभी देगा. अभी राइट से हाथ देने की तैयारी चल रही है. अभी लेफ्ट में जा रहा है सही लग रहा है मुझे. नहीं भाई अभी ये फिर से राइट जाएगा. लेफ्ट ही जा रहा है. लाले और मैं जब पिछली बार आए थे है लाले हम जब आए थे भाई पिछली बारी तब भी ये रोड की हालत ऐसी थी. आज भी इस रोड की हालत ऐसी है. तो क्या कर रहे हो? बाईपास भी कटेगा मेरे को लग रहा है नीचे की तरफ. नहीं हमने तो मैप लगा रखा ना लेकिन रोड की कंडीशन इतनी खतरनाक हो रही है भाई. कट रही है उधर रोड लेफ्ट में कटेगी क्या? तो इस वाले रूट से जाना है भाई. यही रूट ही होगा. आगे ब्लॉक होगी ये रोड. नहीं नहीं यार मुझे याद है ये रोड पूरी स्टेट जा रही होगी भाई. ये मैप दिखा रहा है क्योंकि ये कोई गांव गांव के रास्ते लेके जाएगा. उससे जाना नहीं है. सीधा सीधा चलो मस्त बढ़िया. सो गाइस अभी हम लोग फंसे पड़े कहाँ पर पता नहीं यार. उत्तराखंड की एंट्री है जहाँ पर हमें पासेज नहीं मिल रहे हैं. पासेज तो है हमारे पास लेकिन वही दिल्ली वाला सीन हो रहा है बड़ा खतरनाक. ये मतलब हमें कोविड टेस्ट के साथ ही जाना पड़ेगा. विदाउट कोविड टेस्ट और कोविड टेस्ट बड़ी देर बाद स्टार्ट होगा. पता नहीं क्या चल रहा है. 11:00 मॉर्निंग. बहुत गंदी भसड़ चल रही है. लेट्स सी कैसा रहता है. करवाएंगे भाई करवा के जाएंगे तभी होगा सीन सॉर्ट. ओके गाइस तो वी आर थ्रू. तो अगर आप लोग जो है यहाँ पर आ रहे हो तो आप लोगों को कोविड का जो टेस्ट है वो कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है. क्या कहता है वरुण? बिल्कुल भाई. कोविड के टेस्ट के बिना दिल्ली वाले तो अंदर घुस ही नहीं सकते किसी भी हालत से. उत्तराखंड में आ नहीं सकते. तो प्लीज़ भाई कोविड का टेस्ट करा के आना. जो कोई भी आ रहा है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है. 1 से 1.5 घंटा लग जाता है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी. बाकी हरियाणा से अगर आप लोग आ रहे हो तो हरियाणा वालों को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है. और बाकी भाई वी आर ऑल सेट टू
रीच, और अगर आप देखोगे ऊपर उजाला होने की तैयारी हो गई है बिकॉज इट्स 5:32, तो पता नहीं हमारे कितने घंटे ख़राब हो गए। लेकिन अगेन ये यार अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि कोविड जो है वो जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से हर स्टेट ने कंट्रोल करने का तरीका बनाया। उत्तराखंड और हिमाचल में ये वाला जो रूल है ये बिल्कुल चल रहा है कि आपको कोविड का टेस्ट ज़रूर कराना है कुछ भी चीज़ें, जैसे आप लोग अगर एंटर कर रहे हो, और आप लोगों को एक ई पास भी जो है वो भरना है। और ई पास हम लोगों ने नहीं भरा था, लेकिन टेस्टिंग वाली जो सीन था वो अपने पास पड़ा हुआ था, तो हमने जो है ओके किया और हम लोग निकल गए। ठीक है, तो पहुँचते और फिर बात करेंगे। गाइस सुबह हो चुकी है, टाइम हो रहा है 5:48, और लाइटिंग का थोड़ा सा मज़ा लेते हुए हम लोग रात भर सोए नहीं है। लाला भैया पीछे है। ठीक है लाले, मौसम कैसा है भाई? बढ़िया एकदम। लाले के लिए मेरे को चिल्ड एसी कर रखा है, जैसे लाला एंजॉय कर रहा है। बाकी भाई मास्क वास्क तो पहन ही रखे, क्योंकि भाई मास्क पहनना ज़रूरी भी है, भाई मास्क पहनो। लेकिन अपने दोस्तों के साथ हो तो तब आप घर पे हो या फिर कहीं पर बैठे हो। और बाकी बाहर का माहौल देखो भाई, मौसम जो है खुल चुका है और इतना ज़्यादा खुल चुका है कि निकल रहा है खुल के। और अभी भी कितने और घंटे लग रहे भाई, हमारा वो जो सेंटर वाला खेल था ना उसमें एक घंटा हमारा, डेढ़ घंटा खराब हो गया वरुण है, नहीं तो अभी तक हम पहुंच के चाय पी रहे होते गंगा के साइड में बैठ के। और देखो भाई ये डंपर डुम्पर तो ऐसे ही चलते लाइटों के बिना वाले। ये बंदा टेढ़ा चल रहा है भाई, फियर फैक्टर में जाने की जरूरत नहीं है। इंडियन हाईवेज में भाई सीन खराब है, यहाँ पर तुम खुद ही मौत के सामने आते जाते रहोगे। हर हर महादेव भाई, सुबह सुबह भोलेनाथ के दर्शन हो गए भाई। तो गाइज हम लोग जो है अभी जा रहे हैं, जिनसे हमने मिलना है ठीक है उन्हीं के वहीं पर हम लोग जो है थोड़ा सा स्टे करेंगे और वहीं पर जो है उनसे बातचीत करेंगे। और उसके बाद भाई लोगों ने कुछ प्लान बनाया। कहाँ जाने का भाई? यार जोशी जी आपके साथ तो जिंदगी मतलब हमेशा से ही रंगीन रही है। लाले क्या कहते हो, मतलब उस रंगीन जिंदगी में आप भी थे? बिल्कुल। तो भाई चलो बढ़िया, बढ़ते जा रहे हैं भाई। इधर से लेफ्ट था, आप राइट क्यों मुड़ गए? जाना तो उधर था, आई गेस आप गलत आ गए। कई बार ऐसे हो जाते हैं, पेप्सी के जैसे हो जाते। सो इधर से लेफ्ट जाना है हमने, सीधा ले लेना। ठीक है, थोड़ा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आपसे क्या सीन है। करीबन मतलब आप ये लगा लो कि आज से कितने 8 या 9 साल पहले की बात है। सो अभी हम लोग जो है देहरादून में आए हुए हैं, और देहरादून में मेरी बहुत पुरानी याद है क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ा करता था। तो जहाँ पर हम लोग रहते थे ना वो ये लोकेशन थी। देखो आज से मैं 9 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस लोकेशन में हम लोग रहा करते थे, और ये देहरादून में कौन से जगह मतलब ये कैनाल रोड वाली जो जगह थी, ये वाली रोड ही होती थी। मतलब बहुत ऑसम फीलिंग। और अगर इस वीडियो को मेरा दोस्त देख रहा है अंकुश भाई, तो लाला भी जानता है क्योंकि अंकुश जो है वो बहुत बारी भाई से मिला हुआ है। तो बहुत बढ़िया लगता है भाई यहाँ पर आते हैं ना, तो मतलब यहाँ पर जो पूरी बस सर्विस होती थी सब चीज़ होती, दैट वॉज सुपर सुपर ग्रेट। बढ़िया है भाई, बहुत अच्छी फीलिंग है भाई। जितने भी लोग देहरादून वाले जो मेरे DIT के सारे दोस्त थे, तो दे कैन टोटली रिलेटेड एंड बहुत मस्त फीलिंग। चलो तो गाइस हम लोग जो है मेरी सबसे फेवरेट प्लेस पे पहुंच चुके हैं। ये हमारी देहरादून वाली जो DIT वाली पूरी रोड है जो मसूरी की तरफ जाती है वो है। यहाँ पर एक दरगाह हुआ करती थी, आई गेस लेफ्ट हैंड साइड में दरगाह होती थी। और अभी अगर आप लोग देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को दरगाह जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो मेरी जो यादें हैं वो अभी तक बिल्कुल ताज़ा है, बहुत साल हो चुके हैं। और यहाँ से जो है देहरादून अपना DIT वाला जो हॉस्टल था वो भी दिखाई देता है। 8 साल हो गए जोशी, 8 साल हो गए भाई उस बात को ना। और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, मतलब एक दो चीज़ें नहीं, ये अपना पेस्टल वीट स्कूल हुआ करता था, अभी भी है यहाँ पर, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ पर हम लोग खाना खाया करते थे, ठीक है। पता नहीं वो हांडी, वरुण उसका नाम होता था हांडी, हांडी हुआ करता था वो, हांडी में सब खाना मिलता था। मैंने वहीं पर जो है स्टार्ट किया था आना, पता नहीं इधर हांडी है कि नहीं है, बटा रोल आ चुका है यहाँ पर। आई गेस हांडी जो है वो पीछे रह गया है, पता नहीं क्या है। लेकिन अब तो हम लोग DIT के पास पहुँच गए। ओह माय गॉड भाई, इट फील्स रियली नाइस इतने टाइम बाद आने के बाद। और भाई सब कुछ चेंज हो चुका है, आसपास की चीज़ें देखोगे आप लोग, बड़ा जबरदस्त लगा। वरुण कैसा लग रहा है भाई? बेहतरीन, लाजवाब, मज़ा आ गया। तो भाई भाई ने जब इतनी बड़ी बात कह दी है तो फिर आप खुद ही समझ लो कि भाई की इंजॉयमेंट कितनी अच्छी हो रही होगी, ठीक है। और ये आप लोगों का जो है IMS आ गया, ठीक है भाई। ये IMS होता था, वरुण तेरे को पता होगा गाजियाबाद वाला जो है ना,
और अब जो अगला आने वाला है, हमारे टाइम पे DIT डीम्ड नहीं होता था, अब जो है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बन चुकी है। ये पता नहीं क्या है, गोल्डन घर वर खुल गए भाई यहाँ पर, हमारे टाइम पे कुछ नहीं होता था। ये है भाई आपका DIT देहरादून, और इससे आगे होता था एक फौजी ढाबा। पहले तो आप लोग ये देखो भाई, तो उतर के वीडियो बना ले। हाँ जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स भाई, आपने अपने जीवन का यहाँ एक बेहतरीन वक्त गुजारा है, तो भाई चला जाए। और ये हमारे टाइम पे सोसाइटीज बन रही थी, अभी सोसाइटी तैयार हो चुकी है। जितने भी देहरादून वाले बंदे नीचे हिट लाइक कर देना। वरुण अभी तुम DIT देख रहे हो भाई, कैसा लग रहा कैंपस? भाई कैंपस तो आलीशान है, लेकिन उससे भी बेहतरीन जो व्यू है भाई पीछे का, मतलब बंदा यहाँ पर आके पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल पढ़ाई करेगा, मन लगा के पढ़ाई करेगा, लेकिन अगर मन कहीं और लग जाए तो भाई वो भी मन ही लगा के करेगा। नहीं भाई सही है, देख लो भाई अभी तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है क्योंकि सब कुछ बंद है, लेकिन इट लुक्स सो प्रॉमिसिंग, कितना जबरदस्त लगता है। और भाई यहाँ के फील जो है ना, जितना बोला जाए उतना कम है, और हम लोग इतना इसे लगा सकते हो बेंचमार्क टच करते हुए जा रहे हैं जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, है ना भाई। मसूरी जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, और मतलब ये अनप्लान ट्रिप है भाई, लाला और मैं लिटरली ऐसे घूम रहे हैं। लाला तो बॉक्सर में घूम रहे भाई, क्या चक्कर है भाई। सो चलो भाई, इधर इतना ही था, चलते आगे। एक फौजी ढाबा आता था उधर, पराठे बड़े अच्छे मिलते थे, खाते हैं और फिर बात करेंगे। भाई स्पॉट ढूंढ दिया, क्या स्पॉट है? व्यू नीचे तूने जिंदगी बना दी, मतलब इस लॉकडाउन में हम इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे ना, लेकिन भाई तू हमारे लिए ना एक अवतार की तरह है। चाय चल रही है भाई, मीठी है? नहीं यार थोड़ी और चीनी प्लीज। नल तू टेस्ट करके बता। है मेरे लिए ठीक होगी यार। गाइस तो हम लोग जो है मसूरी के अंदर एंटर कर चुके हैं, और मसूरी में हम लोगों का स्टे करने का कोई प्लान नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बस हम लोग कुछ टाइम के लिए आए हुए हैं। आई गेस भाई वहाँ से आपने राइट लेना था, और आप जो है गलत रूट में आ चुके हो, ठीक है भाई वरुण? भाई ये तो सही दिखा रहे हैं। नहीं लेकिन हम लोगों ने पीछे ही जाना था, क्योंकि वही मेन वाला जो मसूरी वाला रूट है वो वही है मेन। तो गाइस अभी यहाँ का जो सीन है वो थोड़ा सा सीन ऑफ हो रखा है, क्योंकि नीचे की तरफ में तो होटल वोटल कोई भी नहीं खुला हुआ, और अभी हम लोग जो है मॉल रोड में, हमने गाड़ी पार्क नहीं करी यहाँ पर, हम ऊपर ही गाड़ी पार्क करके आए, और अभी हम घूम रहे हैं, देखते क्या होता है। तो गाइस हमें फाइनली अब जाके जो है एक स्पॉट मिला है मसूरी में, जहाँ पर वो खाना सर्व कर रहे हैं। तो ये है अग्रवाल वेजिटेरियन, ये कुलरी मॉल के अंदर है, ठीक है। और अब जाके हम लोग फाइनली कुछ खाने वाले हैं। गाड़ी हमने नीचे पार्क कर दी थी, मतलब अभी तक टूरिज्म सही तरीके से ऑन नहीं हुआ है भाई, है तो भाई आ रहे हो तो ऐसा सच कुछ है नहीं ऊपर देखने का वैसे, है ना। तो अभी तो नीचे नीचे का घूमो भाई। बट एक चीज वो भी है जो यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि वो सिर्फ अपना अकेले एंजॉय कर सकते हैं साइट्स वाइज, ये मार्केट वार्केट भाई सूना पड़ा हुआ रोड तो खाली, वैसे सुबह का टाइम है ज़्यादा इसलिए है नहीं, लेकिन स्टिल आप देख लो। अब हम लोग जा रहे हैं कैंटी हॉल हमारे प्रिय मित्र लाला के साथ, और हमारे प्रिय मित्र वरुण सिंह पवार उर्फ वरुण उर्फ पवार साहब। तो ये कैंटी का रोपवे है, लाला ने मेरे को ऐसा कहा कि ऊपर आते वक्त जान निकल सकती है, तो ये मेरे कंधे का सहारा लेगा ऐसे। हाँ बट तू जाते वक्त क्यों ले रहा है? आते वक्त तो मैं समझ सकता हूँ, आते तेरी गोदी में आऊँ चल रही। फिर मैं वरुण की गोदी में आऊँगा। भैया मैं वीडियो बना रहा हूँ भैया। मेरे को ऊपर चढ़ाने में लाला धक्का मार के और वरुण आगे चल के मदद कर रहा है। देखो भाई सपोर्ट है, आगे चलना।
क्रेजी सीन भाई। वरुण कैसा लगा नहा के? बेहतरीन, लाजवाब, मजा आ गया भाई। मतलब ये भगवान राहुल जोशी जैसा दोस्त सबको दे। चलो भाई अच्छी बात है। कौन है भाई? फाइनली हम लोग जो है होटल में आ चुके हैं यार। भाई सो जाओ, सो जाओ भाई, सो जाओ, सो जाओ। और भाई अब हम लोग रेडी है कि हम लोग जो है कुछ खाए और फिर सो जाए और कल का प्लान देखेंगे। भाई ने सारे कपड़े उतार दिए और अंदर सो गया भाई। ठीक है भाई, इन्जॉयमेंट चल रही है फुल पावर। लाला भाई जो मेरे को पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं कुछ, जो कि हो नहीं पा रही है, और लास्ट तक इनके बिल्कुल हलक से हम निकाल के उन पैसों को छीन लेंगे इनसे। है भाई, एक ही रुपया गया इसके, उससे चेक रुपये एक रुपया गया है, उसके बाद का अमाउंट जा नहीं रहा। और भैया जो है एक्सिस बैंक के वैसे अच्छे खासे बंदे हैं, लेकिन पता नहीं अब देखा हो गया भैया। ठीक है भैया, फोटो खींचने का लाला फोटो खींचने में लगा है भाई। ये खाओ भाई, इसको खाना पड़ेगा हमें जल्दी जल्दी, ये तो खत्म हो जाएगा। भाई जो है अपने ब्लॉग के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं और भाई खाना जो है बड़ा जबरदस्त दिखता है। इसमें चिकन कौन सा है भाई? दिस वन आई गेस। ये चिकन है तो भाई ये मैं खाता नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ। नान लुक्स वेरी गुड, मुंह से पानी गिर रहा है। जल्दी खा लो, जल्दी खा लो लाले, जल्दी खा लो वरुण। तो अभी हम लोग सो के पूरा बाहर निकले और हम लोग आए हुए थे बफेट। अगर आप में से कोई भी देहरादून आ रहा है तो यहाँ पर बर्गर और क्या बोलते हैं कोल्ड कॉफ़ी और सैंडविच जो है बड़े अच्छे मिलते हैं। टेस्ट चेंज हो गया, पहले बहुत अच्छा टेस्ट हुआ करता था, थोड़ा टेस्ट में चेंज आ चुका मे बी विद टाइम जो है ये चीज़ चेंज हुई है। और एक चीज़ आप लोगों को और मैं बताना चाहूँगा कि भाई अभी हम लोग जो है सोच रहे हैं कहाँ पर जाए, कैसे प्लान करें, और उसके बाद फिर आज IPL भी स्टार्ट हो रहा है तो मैचेस भी देखेंगे और जैसा होगा आप लोगों को बताएंगे। बाकी गुड टू गो। यहाँ पर हम लोग अभी मैच देख रहे थे और साथ साथ में भाई लोग जो है रेसलिंग कर रहे हैं। ओए ये तो भाई, ओए एग्रेसिव मत हो यार, खड़ा नहीं होना है, खड़ा भाई देख लो, इतना एक्सट्रीम लड़ाई आपने कभी देखी है जिंदगी में? जो पिन करते पहले 1 2 3 1 2 3। भाई अभी देख लो लाले भैया जो है वो हमारा सर दबा रहे हैं पूरा अच्छे तरीके से, वरुण का भी सर दबाया। अभी हम चल कर रहे हैं होटल के अंदर, रात को सोच रहे थे खाना खाने का जाएंगे, IPL का मैच चल रहा है भाई। मैं भी करवाऊंगा अभी, एक से पैर दबाऊंगा, एक से हाथ। और भाई हम दोनों के गला भी दबा देंगे तेरे। गाइस तो रात के ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, सो कल हम लोग जो है दिल्ली के लिए निकलेंगे क्योंकि लाले का भी ऑफिस है, वरुण का भी ऑफिस है, अपने को भी काम करना है। दिस कैफे लुक्स वेरी डोप, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, क्राउड बिल्कुल है नहीं यहाँ पर, और इनका ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम होने वाला है। यहाँ पर विंग्स विंग्स में फ़ोटो वोटो खिंचवा ली। क्या नाम था भाई इसका? आई लव कम्यून ना? हाँ यही नाम है, कुछ और नाम है? हाँ यही है, आई लव कम्यून। तो भाई लोग जो है वो फोटोग्राफी कर रहे हैं, मैं इतना ज़्यादा चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ। लाइटिंग कैसी है? लेकिन मैंने कोल्ड कॉफ़ी और फलाफल वाला प्लेटर जो है वो मंगाया। मोहितो जो है ट्राई कर रहे थे, अच्छा है मोहितो ना, लेकिन ये लोग पियेंगे, मैं कोल्ड कॉफ़ी पी रहा हूँ। और ऑसम प्लेस, मज़ा आया, खा लिया सबसे अच्छी बात ये है, बाकी तो ओके भाई, मज़ेदार है। बढ़िया लाले, बढ़िया एकदम। मोहितो बढ़िया है, वरुण बेहतरीन, लाजवाब, इनका अलग खेल है, यहाँ फोटोग्राफी चलती रहती है। कहाँ गया ये? ठीक है, खाना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है भाई, तो फलाफल वाला जो प्लेटर है वो भी आ चुका है। ये क्या है? ये फलाफल प्लेटर है भाई। ठीक है भाई, थोड़ा डिफरेंट लगता है देखने में, उसमें बहुत सारी चीजें और मोमो। वन ऑफ आवर न्यू फ्रेंड इज आल्सो विद अस। तो हमारे साथ शिवा भैया भी है। कल लाले ने कितने अच्छी तरीके से इस गाड़ी को चलाया रात को, कि आज हमारी गाड़ी दे रही है 37.3 की एवरेज, 40.9 किलोमीटर पर लीटर। भाई कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, 40.9 ये एवरेज बढ़ती जा रही है भाई, ये पता नहीं भाई 44.6। वरुण क्या किया भाई तुम गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, ऐसी कौन सी एवरेज बढ़ाती भाई? यार ये टेक्नोलॉजी होती है। चलो भाई अच्छी बात है। तो भाई हम लोग नेक्स्ट डे है और निकल चुके हैं दिल्ली के लिए, एंड एज सच अब कुछ दिखाने को होगा नहीं मोस्ट प्रॉब्ली, और वी आर गुड टू गो। हमारा जो ट्रिप था वो बहुत बढ़िया था, कैसा रहा लड़को? भाई बेहतरीन, लाजवाब, मजा आ गया, मजा। क्या कहते हो लाले? लाले तो घर जाना चाहता था बीच में, लेकिन हम लोगों ने सी कंट्रोल भी भाई, बेहतरीन, लाजवाब, मजा आ गया भाई। चलो भाई, सो इसी के साथ में आप लोगों को इधर से बाय बोल रहे हैं, और अगर आप लोगों ने वीडियो एंजॉय करी हो लाइक शेयर कमेंट जरूर ठोक देना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। देहरादून से जितने लोग थे, जितने भी लोग हमें रास्ते में मिले या फिर जितने भी लोगों ने हमें मैसेज किया मिलने के लिए, भाई मैं किसी से नहीं मिला क्योंकि ये हमारा दोस्तों वाला टाइम था,
ठीक है भाई, इस टाइम पे हम लोग दोस्तों से मिलते हैं, अपने दोस्तों मतलब जो मेरे पुराने दोस्त है, ठीक है भाई? बिल्कुल भाई, क्योंकि हमारी फैमिली मेंबर्स तो अलग है भाई, बिल्कुल ना। तो जब पूरा सीन बनाएंगे तब मिलने का भी सीन बनाएंगे, बाकी जितने भी लोग उतरा फैमिली मेंबर में नहीं आते यार, आप भी आते हो लेकिन अब मैंने आपको दो, अब मैंने आपको ऊपर दर्जा दिया तो आपको वो भी नहीं पच रहा, इन्हें पसंद नहीं आया। हो भैया आप भी फैमिली में रहो, साइकिलिस्ट देखो भाई, चारों तरफ साइकिलिस्ट घूम रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ भाई, जितने भी लोग उत्तराखंड आ रहे हैं, पहले बता रहा हूँ, जब भी आओगे आप लोगों के पास कोविड टेस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए। लकीली जो है हमारा जो है टेस्ट हो गया था, हमारे पास रिपोर्ट आ गई थी, इसीलिए हम लोग जो है आगे तक निकल पाए, नहीं तो काम नहीं आ पाते, हम तो नहीं आ पाते भाई, मुश्किल सफर हो जाता। हाँ बहुत मुश्किल सफर हो जाता, वो तो हम लोगों ने जो है एक क्या बोलते हैं वो कौन सा नंबर कहते हैं उनकी, एक जैसे आप लोगों को जैसे टेस्ट कराते हैं ना उसके बाद एक नंबर मिलता है, वो आप लोगों ने उधर रजिस्टर कराना होता है, जिससे आपको ई पास मिल जाता है। ई पास नॉर्मली भी मिल जाता है लेकिन आप लोगों को अगर आप दिल्ली से हो स्पेशली तो आपको वो पास दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग आगे जा सकते हो। पहले बता रहा हूँ ये चीज़ दिमाग में रखना, ऐसे नहीं है मुसाफिर भैया गए थे घूमते फिरते हम भी चले गए, तो भाई उधर उधर ही वो जहाँ पे आधे रास्ते पहुँचोगे ना तो वहाँ पर ऐसे ऐसे कर रहे होंगे वो आपको, और साइड में आप लोगों को एक हट सा बना हुआ दिखेगा जहाँ पर आप लोगों को कोविड के कपड़े पहने हुए बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे जो आपका टेस्ट भी करते हैं। और आप उधर अगर आ रहे हो तो उधर भी आके आप टेस्ट करा सकते हो, लेकिन बहुत हसल रहता है और आप लोगों को पूरा रुकना पड़ता है, वही है कि आप लोगों के पास जो है रिपोर्ट होनी चाहिए, और वो भी कुछ ऐसा 96 आवर्स ना, 96 आवर्स कुछ ऐसा टाइम है जिसमें आप लोगों के पास रिपोर्ट होनी चाहिए। सो मैं जाऊँगा अभी फिर से हिमाचल ट्रैवल करने वाला हूँ, और मैं फिर से जाऊँगा एक बारी उत्तराखंड ट्रैवल करूँगा, तो मेरे को फिर से वो चीज़ करानी होगी, फिर से आपको प्रोसेस बताऊँगा, लेकिन स्टिल इस बारे में जान लो। सो कर रहे हैं आज के इस वीडियो को एंड, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड एक बार ऐसे वरुण ऐसे करो, बाय 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 बाय।